तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है और हमें यहाँ का पोहा इतना ज़्यादा पसंद आया तो हमने रिपीटेटिव वही ऑर्डर किया है। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन, रहे सलामत मेरा सजना और सजना का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोशन अंकिता ट्रैवलिंग चैनल। तो आज हमारे कोंकण ट्रिप का तीसरा दिन है और हम हैं श्रीवर्धन में। तो हमने दो दिन ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया से बिताए हैं। आपने अगर इसके पहले के दो व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो अभी जाके चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएंगी, उसमें से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और आज का ये तीसरा दिन हम कैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो इस वीडियो में हम सोच रहे एक यहाँ का बहुत सुंदर टेम्पल है उसे विजिट करें, तो वहाँ पर जाने के बाद मैं आपको टेम्पल दिखाऊंगी। अभी तो मैं जिस होम स्टे में हम रुके हैं वहां पे खड़ी हूँ, तो यहाँ से अभी हम निकलने वाले हैं नाश्ता करने के बाद। तो नाश्ता हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, यहीं पे जहाँ पे होम स्टे था हमारा वहीं पे नाश्ता अवेलेबल था। तो नाश्ता करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो अभी करीब करीब 9 बजे हुए, मतलब 10:30-11 के आसपास हम यहाँ से निकल जाएंगे और इसके बाद हम निकलने वाले हैं पुणे के लिए डायरेक्टली। तो यहाँ से हमें पुणे पहुँचने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो उसी तरीके से आप भी अपना प्लान करें कि आप शाम होने से पहले तामिनी घाट से बाहर निकल जाए, आफ्टर 6 आप तामिनी घाट के बाहर हो। तो उसी तरीके से हमने प्लान किया, तो 1-2 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से निकल जाने वाले हैं। तो उतने टाइम में जो भी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे वो आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अगर पसंद आता है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाए। चैनल को अभी तक के अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि हम जब भी नया वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और हाँ, आपको ये वीडियोज़ हमारे कैसे लगते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, और हमें कुछ एडिशनल आपको बताना है, इस तरीके से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है और हमें यहाँ का पोहा इतना ज्यादा पसंद आया तो हमने रिपीटेटिव वही ऑर्डर किया है। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट कर लेते। फाइनली हम यहाँ से जा रहे हैं, बहुत अच्छा जर्नी था यहाँ तक। अभी हमने चेकआउट कर लिया 11 बजे और ये प्लेस बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो नाश्ते के बाद भी हम थोड़ी देर रुकने के बाद, यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल रहे हैं। तो पैकअप हमारा हो चुका है, हमने 2 दिन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्पेंड किए। अगर आपको वो देखना है तो आप हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखें, एवरी फ्राइडे एक वीडियो आता है तो उसमें से ये 4th वीडियो है। और ये आप देख सकते हो, ये रूरल एरिया में इस तरीके से आपको छोटे छोटे रास्ते देखने मिलेंगे। अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हो तो आप कोंकण एक बार ज़रूर विजिट करें, आपको वो गाँव वाला फील यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर ली है और यहाँ से हम जाने वाले हैं आगे। तो ये रास्ते से श्रीवर्धन गांव से ये कुसुमा देवी का मंदिर थोड़ा सा जंगल के एरिया में, थोड़ा सा आउटसाइड आता है, जो कि 3-4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है और आगे इसके गाड़ी नहीं जा सकती, तो यहीं पे पार्क करके हम निकल रहे हैं। थोड़ा सा वॉकिंग जाना है। तो अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हो तो आप जा सकते हो, बट 4 व्हीलर अगर लेके जाना है तो आप अंदर ना लेके जाए। तो गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पे मॉनसून में आते हो तो आपको एक अलग नज़ारा देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ से पूरा पानी बहते हुए रहता है और बहुत सुंदर लगता है वो। तो आपके लिए दोनों ऑप्शन है, अगर आप ठंडी में आना चाहते हो या फिर मॉनसून में आना चाहते हो तो मॉनसून में भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये मंदिर बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, बट ये बहुत सुंदर है। जैसे कि मैंने बताया, मॉनसून में तो बहुत ब्यूटीफुल रहता है। तो हमें लोकलाइट्स ने बताया कि आप यहाँ तक आए हो तो ये मंदिर को ज़रूर विज़िट करें, इसलिए हम कर रहे हैं। तो आप भी जब आ रहे हो तो ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छा है। और आजू बाजू में आप देखिए नज़ारा, एकदम नेचर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा करीब से। आई होप आपको हमारी ये कोंकण सीरीज़ पसंद आई होगी और हमारी ये सारी जर्नी आपको इस वीडियो में से अच्छी लग रही होगी।
अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछें। यहाँ से पानी बहते रहता है मॉनसून में, तो वाटरफॉल जैसा ज़रा आप बोल सकते हो मराठी में, बहुत अच्छा दिखता है। तो मुझे लगता है मॉनसून में ये प्लेस और भी ज़्यादा बेटर लगता है। हम और एक बार मॉनसून में विजिट करेंगे। हाँ, मॉनसून में एक बार और विजिट करेंगे। टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते हैं क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड है, जैसे कि मैंने बताया। बट आप देख सकते हो कितना नेचुरल है सब कुछ, मतलब कुछ रास्ता भी नहीं बना हुआ है, एकदम गांव वाला फीलिंग है। तो ये अब हमें शहर में शायद ही देखने मिलता है ऐसा, तो हमें लगा क्यों ना हम भी विज़िट कर ले मंदिर को। और वैसे भी अभी निकलना है तो 2 बजे तक के टाइम है हमारे पास, और बीच पे हम ऑलरेडी 2 बार जा चुके, तो क्यों ना मंदिर को विज़िट करें। तो चलिए, वहाँ पर बोर्ड दिख रहा है, मतलब हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और मंदिर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत दूर चल के, धूप में चल के। सच बताओ तो इस मंदिर में आने के बाद इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई मुझे, और आप देख सकते हो कौलारू है ये मंदिर। ऐसे मंदिर हमें आजकल शायद ही देखने मिलते हैं, और ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ के लोग इस मंदिर के प्रति काफी श्रद्धा रखते हैं और यहाँ पे दर्शन के लिए आते रहते हैं। तो आप देख सकते हो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और पॉजिटिव वाइब्स आई। अगर वीडियो में देख के आपको भी पसंद आ रहा है तो आप भी इसे एक बार ज़रूर विज़िट करें, और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको यहाँ पे कैसा लगा। मंदिर में आपको श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली और श्री महासरस्वती, ऐसे तीनों देवी के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम कुछ देर रुके क्योंकि बहुत ही प्रसन्न ऐसे वाइब्स थे उस मंदिर में। हम मंदिर में गए थे 11-12 बजे के आसपास, तो यहाँ पे पूजा अर्चना भी चल रही थी, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे थोड़ा टाइम रुक के। मंदिर के हमने दर्शन ले लिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे यहाँ पे लगी, मुझे बहुत पसंद आया। तो इसके बाद हम पुणे के लिए निकलने वाले हैं, तो रास्ते में हम लंच वगैरह करेंगे, तो वो सारे अपडेट्स मैं आपको देती। और अभी हम रुके हैं लंच करने के लिए, तो ये रास्ते में हमें होटल मिला है कोकन छोड़ते छोड़ते, तो यहाँ पे अभी 1:30-2 बज चुका है। हम लंच करेंगे और उसके बाद आके निकलेंगे। अरे गाने दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। तो हमने जर्नी भी काफ़ी एंजॉय की, हमने अंताक्षरी खेली, मतलब बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ, हमारा ट्रिप काफ़ी सफल रहा। आपको कैसे लगा, सारे वीडियोस कैसे लगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं, ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अभी तक के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेंगी। और हाँ, इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो अगर आपने अभी तक के देखा नहीं है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आपको बजट से लेके तो ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस तक, फूड के ऑप्शंस तक और रहने के ऑप्शंस सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी जाके चेक करिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को। दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन, रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। हम्म,
मेरे साथी मेरे साजन, मेरे साजन मेरे साथ यू ही चलना, बदलेगा रंग जमाना पर तुम नहीं। तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, कर खोना है कुछ खो कर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। जहाँ पे लिरिक्स ना है वहाँ पे जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है एक प्यार। तो फाइनली हमारी ट्रिप यहाँ पे खत्म हो रही है। हमने जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे, तो अभी हम तामिनी घाट में पहुँच चुके हैं और विट्ठल पे हम चाय पीने के लिए रुके हैं। तो यहाँ से चाय पी के हम घर जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगा ये कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।